हाँ बच्चों, तो आप सभी वापस से मेरे लेक्चर नंबर 34 में आ जाइएगा, सभी के सभी। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर 33 में संधारित्र का सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे थे, और संधारित्र सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा कि भाई संधारित्र जो होता है वो स्थित वैद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आपसे कोई कह रहा है कि संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए, एक्सप्लेन करो, तो ज़रा ध्यान दीजिए। संधारित्र का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। तो देखिए, मैं एक बार इसको मुंहजुबानी बोल रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मुंहजुबानी बोलते ही आपके समझ में आ जाएगा, समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो प्लेटें लेते हैं जिनमें से एक आवेशित होती है और एक कैसी होती है, अनावेशित, या कुछ अलग होती है जिस पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता। तो बेटा, मैंने दो प्लेट ली, एक प्लेट पर पूर्ण रूप से धनावेश है, तो वो प्लेट कैसी हो गई, धनावेशित, और एक प्लेट कैसी है, अनावेशित। अब जैसा कि हमें ज्ञात है कि जो संधारित्र होता है बेटा, वो स्थिर वैद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब जैसे ही बच्चों हम उस धनावेशित प्लेट को अनावेशित प्लेट के संपर्क में लेकर जाएंगे, तो प्रेरण के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया अप्लाई होगी, जिसके कारण वो जो अनावेशित प्लेट है वो कैसी होने लग जाएगी, आवेशित होने लग जाएगी। तो बेटा, जो अनावेशित प्लेट है, जो अब आवेशित हो रही है, उसकी आंतरिक सतह पर तो विपरीत प्रकृति का आवेश, अर्थात आप धनावेशित प्लेट को लेकर आ रहे थे संपर्क में, ठीक है ना, नजदीक लेकर आ रहे थे, स्पर्श नहीं कराया है, तो आंतरिक सतह पर तो कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश, जबकि बाह्य सतह पर समान प्रकृति का आवेश अर्थात धनावेश उपस्थित हो जाता है। अब दो चीज आ गई, एक धनावेश हो गया और एक क्या हो गया बेटा, ऋणावेश। अब जो धनावेश है, धनावेश के कारण विभव के मान में तो वृद्धि होती है, परंतु धारिता के मान में भी क्या होती है, कमी होती है। यह चीज मैं आपको एक्सप्लेन करा सकता हूं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, यह चीज मैं आपको सिद्ध करा सकता हूं कि धनावेश के कारण विभव क्यों बढ़ता है और धारिता क्यों घटती है, ठीक है। जबकि हम जानते हैं कि ऋणावेश के कारण विभव के मान में क्या होती है, कमी आती है, जबकि धारिता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और हम जानते हैं कि संधारित्र एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसी डिवाइस है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता के मान में क्या करता है, वृद्धि। तो हमें तो धारिता के मान में वृद्धि चाहिए ना, तो धारिता के मान में वृद्धि करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो धनावेश है उसको हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो अनावेशित प्लेट थी, जो कि आवेशित प्लेट को संपर्क में लाने से जो आवेशित हो रही है, धनावेशित प्लेट को संपर्क में लाने से जो आवेशित हो रही है, जिसकी बाह्य सतह पर जो धनावेश है, उस बाह्य सतह को हम भूसंपर्कित कर देते हैं, अर्थ कनेक्टेड कर देते हैं। अब जैसे उसको भूसंपर्कित करेंगे, पृथ्वी से जोड़ेंगे, तो पृथ्वी की सतह से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो धीरे धीरे सतह पर पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो वो एक धनावेश को आकर्षित कर लेगा, फिर दूसरा जाएगा वो दूसरा आवेश को आकर्षित कर लेगा, फिर तीसरा जाएगा, लगातार यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तब तक, कब तक, जब तक कि संपूर्ण धनावेशों का आकर्षण ना हो जाए। जैसे ही प्लेट से संपूर्ण धनावेशों का आकर्षण हो जाएगा, तो प्लेट पर शुद्ध रूप से ऋणावेश उपस्थित होगा कि नहीं होगा, और ऋणावेश के कारण सदैव धारिता के मान में क्या होती है, वृद्धि। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द एनी कैपेसिटर। अरे बात समझ में, तो ये तो हो गया बेटा मौखिक, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए मैंने यहां पर ये दो प्लेटें यूज में ली है बेटा, अकॉर्डिंग द फर्स्ट सिचुएशन ये मैंने दो प्लेटें यूज में ली है, ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकेंड प्लेट है, ठीक है। आप जरा ध्यान दें, फर्स्ट प्लेट पूर्ण रूप से धनावेशित है, जिसकी सतह पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, और यह कैसी हो गई, अनावेशित है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड पोजीशन, मैं क्या करता हूं बेटा, ये जो पहली धनावेशित प्लेट है, इस पहली धनावेशित प्लेट को मैं दूसरी अनावेशित प्लेट के संपर्क में लेकर जाता हूं, तो इस दूसरी अनावेशित प्लेट के संपर्क में लेकर आ गया, तो यहां पर कौन सी घटना होगी, प्रेरण के द्वारा आवेशन की घटना होगी। हो गया प्रेरण के द्वारा आवेशन, जैसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। बेटा प्रेरण के द्वारा आवेशन जैसे होगा, तो ये जो प्लेट है ये विपरीत प्रकृति का आवेश के साथ आवेशित होगी कि नहीं होगी, तो इसके आंतरिक सतह पर तो क्या जाएगा, विपरीत प्रकृति का आवेश अर्थात ऋणावेश,
और बाह्य सतह पर क्या आ जाएगा, सेम नेचर का चार्ज अर्थात धनावेश। आगे बेटा धनावेश, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, थर्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग में मैंने अभी आपको कहा, जब मैंने इसको मौखिकली बोला तो मैंने आपको समझाया था कि दो चीजें होती हैं, और वो दो चीजें क्या होती हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसके कारण बेटा पोटेंशियल में वृद्धि होती है, ठीक है ना, बट कैपेसिटेंस के मान में क्या आती है, कमी आती है। यानी कि अगर धनावेश बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और कैपेसिटेंस डिक्रीज, घटेगी। और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल डिक्रीज होगा और जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ेगी। तो हमें क्या चाहिए, धारिता को तो बढ़ाना है। धारिता को बढ़ाने के लिए हमें इस धनावेश को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, छूमंतर करना पड़ेगा। छूमंतर का मतलब हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे बेटा ये पहली प्लेट, ये सेकंड प्लेट। पहली प्लेट तो आप जैसे जानते हैं कि धनावेशित है ही, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ही। इस बाह्य सतह को हमने क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। भूसंपर्कित के पांच डंडे होते हैं, याद रख लेना इनको, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये साइन मार्क होता है भूसंपर्कित का, कहीं मन करे जैसे खींच दो तुम, ठीक। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था कि नहीं, भूसंपर्क कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक धनावेश को खा गया, दूसरा गया, दूसरे को खा गया, तीसरा गया, तीसरे को खा गया, यही प्रक्रिया चल रही है। तुरंत जीवड़े का प्रोग्राम चल रहा है, और जीवड़े का प्रोग्राम कब तक होगा, जब तक सारे लड्डू खत्म नहीं हो जाएंगे। और लड्डू के रूप में कौन बैठा है, धनावेश बैठा है, खाने वाले कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज, ठीक है। अब देखो बेटा पूर्ण रूप से ऋणावेश बनाए कि नहीं बनाए, बच गया ना, इससे क्या होगी, धारिता के मान वृद्धि। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा आप जानते ही हैं, मैंने आपको लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया है, सॉरी लोअर स्टैंडर्ड नहीं, इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनावेश से कौन सा आवेश की ओर होती है, ऋणावेश की ओर। प्रॉपरली यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, और विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत विभव V उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, और ये इन दोनों प्लेटों की हो गई मध्य की अल्प दूरी, स्मॉल डी। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ एनी कैपेसिटर। ये होता है बेटा संधारित्र का सिद्धांत। तो हमने दो चीजें पढ़ी, संधारित्र की परिभाषा, संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर कोई भी महानुभाव आपसे पूछे कि संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए, तो आप उसको समझा भी सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास, समांतर प्लेट संधारित्र। क्या है अगला टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल का मतलब समांतर, ठीक है ना, प्लेट का मतलब प्लेट, कैपेसिटर का मतलब संधारित्र, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी ने पूछा What is parallel plate capacitor? समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, तो बहुत ही इजी है, कोई हाथी घोड़े ना आए, जाके बारे में हमको जीव विज्ञान पढ़नी पड़े, बहुत छोटी चीज है। तो तुमसे कोई पूछे चलते फिरते सुई कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, बताइए, तो आप कहोगे सर समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिस पर दो प्लेटें उपस्थित होती हैं, जिन पर परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है। दोनों प्लेटें जस्ट एक दूसरे के कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर क्या होती हैं, स्थित होती हैं। ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो एक ऐसी युक्ति जिस पर दो प्लेटें जिन पर परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है, ठीक है, और उन दोनों प्लेटों का आकार, उनका क्षेत्रफल भी कैसा होता है, एक समान, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल यानी कि एक दूसरे के समानांतर अत्यल्प दूरी पर उपस्थित होती हैं। ऐसी जो युक्ति होती है वो क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र। गुरुजी हम इतने तगड़े कोई विद्वान ना है, हम चित्र बना के समझाओ कि साहब समांतर प्लेट संधारित्र ई रे। तो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा संधारित्र होता है या एक ऐसी युक्ति होती है जिस पर दो प्लेटें उपस्थित होती हैं, उन दोनों प्लेटों का आकार एवं आकृति या क्षेत्रफल भी कैसा होता है, एक समान। इन दोनों प्लेटों पर
परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरलर, ठीक है ना, और एक दूसरे से अत्यल्प दूरी स्मॉल डी पर क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ई ले वाई, ये प्लस 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 धनावेशित प्लेट हो गई, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज उपस्थित कर दिया, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, ये इन दोनों के मध्य की अत्यल्प दूरी है। चाहो तो इसके भूसंपर्कन को भी आप यहाँ पर व्यक्त या प्रदर्शित कर सकते हो। तो ये तो हो गया बेटा एक्सपेरिमेंटल डायग्राम। कैसा डायग्राम हो गया? एक्सपेरिमेंटल डायग्राम हो गया ये। अगर इसका वास्तविक डायग्राम आप देखना चाहोगे, जो तुम्हारी दुनिया भर की, क्योंकि हम खुरापाती जीवन रेफरेंसेस बुक को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, बोर्ड पर हमारा भरोसा ही ना है, क्योंकि बोर्ड के लेखकगण सब पागल है। तो कहने का मतलब मेरा, कभी कभी एक्सपेरिमेंटल डायग्राम ना पूछकर इसका वास्तविक डायग्राम भी पूछ लेता है, तो वो भी मैं आपको बना के बता देता हूँ कि साहब ये तो दो डंडा से दिख रहे हैं गुरु जी, अब इन डंडा को क्षेत्रफल और आकार खाएं। तो देखो प्रायोगिक चित्र बना रहा हूँ, अब देखो लाला फ्री हैंड बना रहा हूँ, अगर आकार में कोई थोड़ी बहुत परिवर्तन आ जाए तो भूल चूक लेन देन ही है ना। कहीं तुम ये सोचो कि मैं, कहीं तुम प्रसिद्ध चित्रकार समझ रहे हो कि मैं ना अपना आपके इनके कोई आकार बना रहा हूँ, ठीक है। ये वायर्स हो गए, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये विद्युत क्षेत्र के कारण प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, एंड देयर आर द मिड डिस्टेंस ऑफ बिटवीन दीज प्लेट्स स्मॉल डी, ये स्टैंड्स हो गए बेटा। यहाँ पर ये वायर कनेक्टेड है, यानी कि इस स्थिति में हम इस संधारित्र को किसी भी सर्किट के साथ यूज में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। आफ्टर ऑल अब मैं का मतलब कौन? अभिनव अवस्थी। थोड़ा सा आगे की ओर चर्चा करता हूँ तो आप ध्यान देंगे, खैर ध्यान तो आप देते ही हैं, आपका बड़प्पन है। अब मैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर रहा हूं और इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की कई कंडीशंस आपकी सिलेबस में दे रखी हैं। एक बार निर्वात की उपस्थिति में पहली कंडीशन, दूसरा जब समांतर प्लेट संधारित्र पूर्ण रूप से पैरा वैद्युत पदार्थ से भरा हुआ हो, दूसरी, तीसरी जब समांतर प्लेट संधारित्र आंशिक रूप से अल्प रूप में भरा हुआ हो, चौथी जब कई सारी आंशिक रूप से पैरा वैद्युत पदार्थ से निर्मित प्लेटें उस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर उपस्थित हों तब समांतर प्लेट संधारित्र धारिता ज्ञात कीजिए। तो कितनी कंडीशन दे रखी है? चार। क्या दे रखी है? चार। और हमें उन चारों की चारों कंडीशन में से समांतर प्लेट संधारित्र धारिता के मान की गणना करनी है, और किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के मान की गणना करना इस दुनिया का सबसे इजी काम है, लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाते हैं। जब हर काम इजी है तो फिर नंबर क्यों नहीं आते हैं? या है तो गुरुजी राम जी भी ना बता सके। तो ध्यान दो, पहला पॉइंट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर रहा हूं किसकी उपस्थिति में?
निर्वात की उपस्थिति में। और अब लैंग्वेज आप बेशक मेरी ना लिखें, लेकिन आप समझ लें, समझने के बाद आप अपनी वाली लैंग्वेज लिखें, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो समानता पेड़ संदर्भ की धारिता ज्ञात कर रहा हूँ मैं। नंबर एक कंडीशन किसकी उपस्थिति में? निर्वात की उपस्थिति में। तो आप लिखेंगे कि सर हमने एक समांतर पेड़ संधारित्र को उपयोग में लिया है निर्वात की उपस्थिति में, जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। एक प्लेट पर प्लस क्यू और एक प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर क्या हैं? उपस्थित हैं। और प्लेटों के मध्य उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो कैपिटल ई है, और प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान कितना है? वी है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, प्रूफ ऑटोमेटिक सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ऐसे ऑटोमेटिक है जाए। नेक हाथ न्यू कर दो तब न्यू ऑटोमेटिक सॉल्यूशन है जाए। हंसने की बात नहीं है ये, तुम करके देख लो, न्यू करो हाथ एक बार, कितना ही टफ डेरिवेशन क्यों ना लत दे से नीचे आ जाए न्यू करवे में। अब देखो मैंने करो न्यू, अब तुरंत होगी सॉल्यूशन। देखिए ये पहला कैपेसिटर, पहलो का साहब एक ही हम पहलो और दूसरा का करेगा, ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। अब ये प्लेट न्यू कह रही है गुरु जी हमारा नाम ना दियो, तम ईले साहब हमने नाम दे दिया, रो रही बेचारी ने साहब हमारा नाम तो दे कचो मैं नहीं आते, पी वन कह दी। मैंने कहा बेटा पी वन आ रहा है, बेटा पी टू, बेटा पी वन और बेटा पी टू, ठीक है बेटा पी वन तुम पॉजिटिव हो और पी टू जो है वो नेगेटिव है, ठीक है? ठीक है साहब, बड़ी राजी है बेचारी, और तुम दोनों एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर उपस्थित हो। ठीक है साहब, अब साहब मैं पॉजिटिव हूं तो मैं प्लस प्लस लटका लूं नीचे घुंघरू के टाइप में, लटका लिया ने ई रोबे लग गई साहब, यही कि तुमने प्लस प्लस लटकाए, ले तू माइनस अन लटका ले, या कि माइनस लटका लटका दे विद्युत क्षेत्र करो साहब। अब मैं कतई ना रुक सकूं साहब, तो ये हो गई बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और ये विद्युत क्षेत्र के कारण दोनों प्लेटों का मत उत्पन्न विभवांतर V, कुछ नहीं है, नॉर्मल से चीज, ठीक है। अब बेटा ये दोनों के दोनों प्लेटें चालक प्लेटें हैं क्या? नहीं, इनका आकार और क्षेत्रफल दोनों कैसा है? एक समान। ए क्या हो गया? क्षेत्रफल। अब तुम लोग कहेंगे साहब आपका क्षेत्रफल कहाँ है? जैसे कि ये चौक प्लेट का काम तो कर रही है, तो ये इसका एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये वाला एरिया है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं, याद कीजिए चैप्टर नंबर सेकेंड, गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग में मैंने आपको गाउस की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ाई थी, किसी भी चालक आवेशी चालक पथ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका सूत्र आया था E बराबर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोला आया था कि नहीं आया था? सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, जिसकी वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया, होता है कि नहीं होता है? तो E बराबर में सिग्मा की जगह पर मैं रखूंगा क्यू अपॉन ए बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यूशन फाइंड होगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। एक बार वापस से समझने की कोशिश करें, ये दोनों के दोनों प्लेटें कैसी हैं? आवेशित हैं, और हमने गाउस की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी है, किसी आवेशी चालक परत या प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका व्यंजक आया था इस कस्टम में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यूं मत कीजो साहब, वहां पर तुमने धनावेशित लियो यहां पर ऋणावेश, भाई है तो दोनों आवेशित ही, चाहे कोई से चार्ज हो दोनों कारण व्यंजक तो एक ही आएगा, और सिग्मा क्या है? पृष्ठावेश घनत्व, प्रस्तावित घनत्व का सूत्र होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा कस्ट में क्यू अपॉन ए। बेटा मान रखा मैंने ये फलन आ गया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। माना, कितना सुशील वर्ड है माना, कि जो चीज तुम्हारी खोपड़ी में ना बैठे वह मान ले करो। माना मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, कितना अच्छा लगता है। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर नहीं, राष्ट्रपति है। कहां का? अमेरिका का। पता है तुमको, ये एक नंबर को बेवकूफ आदमी है, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूं। माना मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, तो मैं ऐसे यहां भी कछु मान सकूं क्या? माना इन, अरे इनका माना चालक प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभव V, ठीक है।
आप जानते हैं V बराबर W अपॉन Q नॉट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो बेटा एक चीज देखिए। अच्छा गुरुजी एक ही चीज देखें क्या हम? हाँ फिलहाल एक ही चीज देखो। क्या कि B बराबर होता है W अपॉन Q नॉट। Q नॉट क्या होता है? एकांक धनावेश। ठीक है इसकी जगह अगर एक रख दूंगा तो V बराबर में कितना आ जाएगा? W। आ रहा कि नहीं आ रहा है? और वैसे भी एक बात अपने दिमाग में याद रखना कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर किसी भी एकांक धनावेश को या किसी भी परीक्षणावेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक विस्थापित करने में किए गए कार्य के कैसा होगा? बराबर। अरे बस समझ। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन W। W हो गया। ठीक है अब आप जानते हैं W बराबर बल इनटू विस्थापन। जाने ना जाने खुजार सी चली आई ने W बराबर बल इनटू विस्थापन। अब लियो गुरुजी हम पीछे रह पाड़े में थोड़ी है। W जगह हमने भी रख दियो साहब F वेक्टर डॉट D वेक्टर, क्योंकि विस्थापन दोनों प्लेटें एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ही तो कर रहे हो बेटा, तो दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल d। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कौन सा बल कार्य करेगा बच्चों? विद्युत बल एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स। और तुम जानते हो ई इक्वल टू में एफ अपॉन क्यू नॉट है, और एफ इज इक्वल टू में क्यू नॉट ई। हेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू में एक्सपेरिमेंटल चार्ज, परीक्षण आवेश, एकांक धनावेश, क्यू नॉट बराबर वन कूलम। तो एफ ए बराबर कैपिटल ए है ए वी बराबर में ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब यह बल और विस्थापन यहां से खोल लो तुम एक बार, तो जहां दिशा में बल लग रो भाई दिशा में विस्थापन है, तो एफ डी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन, थीटा जीरो, कॉस जीरो का मान एक, तो एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस जीरो एक, तो एफ डी FD, समझ में आ गया? खोल दियो मैं नहीं। ठीक है अब B बराबर, बहुत से पागल हैं, क्यों पागलन की कमी थोड़ी है या दुनिया में? बेनु खुंगे साहब पागल बना रहे हो, कैसे लिख दियो तुम नहीं? तो जो पागल हैं वो समझ लें थीटा और सेम डायरेक्शन में होने के कारण थीटा बराबर जीरो डिग्री, तो W बराबर एफ डी कॉस जीरो, W बराबर एफ डी। अब भैया यासुब ज्यादा और कोई सरल तरीका ना आया दुनिया, अब तो समझ में आ गई होगी कैसे लिख दी हुई। एफ बराबर कहीं रखूंगा? क्यू नॉट ई, क्यू नॉट एकांक धनावेश है, शूट करो खत्म। तो एफ की जगह पर ई ना लिख सकूंगा मैं यहां सू और गुणा में डी। आ गया कोई दिक्कत? अच्छा आ गया हम जाने गुरु जी। अच्छो कहा जानो तम E बराबर में क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट रहे ना रहे, निकालो है हमने, और रहे भी है गुरु जी या मैं तो अब निकालो है, हमने तो बहुत पहले पढ़ ली हुई गाउस के एप्लीकेशन पढ़ाई है, मैंने पढ़ाई है ना, कोई बात ना है साहब। तो B बराबर E की जगह पे मैं रख दूंगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल डी। क्या ज्ञात करनी है मेरे को? धारिता कैपेसिटेंस। क्या कह करनी है? धारिता। तो वही अपनी चित परिचित लाइन, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि कृष्ण के मामा कौन थे? कंस ही थे, या चीज दुनिया जाने, लेकिन हम इसके अलावा एक चीज और जानते हैं। सी इसका स्टू में क्यू अपॉन बी, सी अपनी जगह पर, क्यू अपनी जगह पर वी। B का मान तुमने यहां से निकाला है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल डी। E लो बाला को Q से क्यों गए हो? C बराबर में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। ये आ गई धारिता किसकी उपस्थिति में? निर्वात की उपस्थिति में। सरफिक्स में क्या लग जाएगा? नॉट। ठीक है क्या लग जाएगा? नॉट। तो हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र धारिता आ गई सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। अब देखिए